सो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हिप रिप्लेसमेंट का खर्चा कितना होता है। हम आपसे बताएंगे कि एक साइड के हिप रिप्लेसमेंट में कितना खर्चा होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आज के समय में इंडिया में एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने में कितना खर्चा आता है, ये उसका एस्टिमेट है। तो आइए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट का मतलब क्या है कि आपको किस तरह का हिप रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, वो अनसिमेंटेड है या सीमेंटेड है, वो सिरेमिक है या मेटल है, वो पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट है या टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। मोस्टली पेशेंट्स के अंदर हम अनसिमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और बहुत कम परसेंटेज में, समझिए कि 5-10% लोगों को हमें सिमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, और वो भी जो लोग ओल्ड एज में होते हैं, यानी कि 75 ईयर्स एंड अबव। सिरेमिक ऑन हाईली क्रॉसलिंक पॉली, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि वो हमारी फर्स्ट चॉइस है, यानी कि अनसिमेंटेड सिरेमिक ऑन क्रॉसलिंक पॉली इज आवर फर्स्ट चॉइस। कुछ पेशेंट्स के अंदर हम मेटल ऑन पॉली का ऑप्शन भी रखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा फैक्टर है कि आपकी सर्जरी किस हॉस्पिटल में हो रही है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बड़े अस्पतालों में और या फिर एक मीडियम साइज के अस्पतालों में भी करी जाती है, या कुछ छोटे डेडिकेटेड ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स में भी ये सर्जरी करी जा सकती है। तो हॉस्पिटल के साइज के हिसाब से भी कुछ खर्चा हमारा बढ़ता और कम होता है। हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी करने के लिए बेस्ट सेंटर वो होता है जहां पर आपके सर्जन रेगुलरली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हो, उनके पास एक हिप रिप्लेसमेंट का डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर हो और उनकी टीम उनको असिस्ट करने में ट्रेंड हो। और तीसरा फैक्टर होता है कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट को एसोसिएटेड बीमारियां क्या क्या हैं, जैसे कि ओल्ड एज के अंदर या वो पेशेंट जिनको डायबिटीज, बीपी, थायराइड या हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स को सर्जरी के बाद एक दिन के लिए हम आईसीयू में ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ये सब पेशेंट्स पे लागू नहीं होता है, पर ओल्ड एज में और इन सब बीमारियों के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यंगर एज ग्रुप में, यानी कि 65 साल या उससे कम की उम्र के अंदर, इस तरह की एसोसिएटेड बीमारियां कम देखी जाती हैं और वो पेशेंट्स को लार्जली हम फिट कंसिडर करते हैं ऑपरेशन के लिए, यानी कि उनका शरीर सर्जरी को अच्छे से टॉलरेट करता है, तो उनको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वो जो आईसीयू का एक्सपेंडिचर है वो ओल्ड एज में थोड़ा ऐड हो सकता है, और बीमारियों के होने की वजह से हमें और फिजिशियंस को और कंसल्टेंट्स को, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ सकता है, और उससे मिसलेनियस कुछ खर्चा ऐड हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इन फैक्टर्स को समझने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया में एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने का कितना खर्चा होता है अगर आप एक मॉडरेट साइज के डेडिकेटेड हॉस्पिटल के अंदर ये ऑपरेशन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि खर्चा समय के साथ बदल सकता है, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो आज के समय का एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। सो फ्रेंड्स, आइए पहले बात करते हैं अनसिमेंटेड सिरेमिक ऑन हाईली क्रॉसलिंक पॉली के इम्प्लांट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा अनसिमेंटेड स्टेम है, ये हमारा सिरेमिक का हेड है, और हमारा जो पेल्विस है, ये पेल्विस है और ये हमारा कप है। हमने आपको ये पहले वीडियोस में भी दिखाया है, और ये जो जॉइंट है ये सिरेमिक ऑन हाईली क्रॉसलिंक पॉली अनसिमेंटेड जॉइंट है। इसका खर्चा करीबन 2,75,000 से 3 लाख रुपए के बीच में आता है। फ्रेंड्स, दूसरा हेड होता है जिसको कि हम मेटल या कोबाल्ट क्रोमियम हेड कहते हैं, जो कि आप यहां देख सकते हैं, ये मेटल का हेड है। ये हाईली क्रॉसलिंक पॉली के साथ अनसिमेंटेड जब हम करते हैं तो इसका खर्चा करीबन 30,000 से 35,000 रुपए कम हो जाता है। सिरेमिक के हेड से मेटल हेड का खर्चा करीबन 30,000 से 35,000 रुपए कम होता है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको ड्यूअल मोबिलिटी के बारे में भी बताया है। अगर हम अनसिमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट ड्यूअल मोबिलिटी के साथ करते हैं तो उसका खर्चा करीबन 3,25,000 से लेकर 3,50,000 के बीच में आता है, यानी कि ड्यूअल मोबिलिटी का इम्प्लांट करीबन 50,000 रुपए के आसपास महंगा होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीमेंटेड हिप आर्थ्रोप्लास्टी या सीमेंटेड THR ओल्ड एज ग्रुप में किया जाता है, और उनके अंदर बोन क्वालिटी कमजोर होने की वजह से अनसीमेंटेड इम्प्लांट की पकड़ अच्छी नहीं आती है, तो सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट का खर्चा करीबन 1,75,000 से 2 लाख रुपए के बीच में होता है। जबकि अगर हम पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करें
तो उसका खर्चा करीबन 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपए के बीच में होता है। अब पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो ये कटोरी यानी कि ये एसेटाबुलम हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट में चेंज किया और ये बॉल भी चेंज किया और ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट का जॉइंट बना। जब हम पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम ये कटोरी को चेंज नहीं करते हैं, ये हमारा बाइपोलर कहलाता है। बोन को हम चेंज नहीं करते हैं, एसेटाबुलम को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ ये सीमेंटेड स्टेम के साथ इस बड़े हेड को लगाया जाता है जो कि अपने ऊपर मूव करता है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको हम बाइपोलर हिप रिप्लेसमेंट या पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक एस्टिमेटेड खर्चा है और ये पेशेंट टू पेशेंट, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल या अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है। अलग अलग पेशेंट की अलग अलग प्रोफाइल होती है, उनकी अलग अलग बीमारियां होती हैं, उसमें चेंज हो सकता है। ये वीडियो हमने सिर्फ आपको ये अंदाजा देने के लिए बनाया है कि आपको अपनी सर्जरी की प्रेपरेशन के लिए अंदाजन कितने रुपए की जरूरत पड़ सकती है और स्पेशल सिचुएशंस के अंदर ये कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप अपने स्पेसिफिक केस के बारे में अपनी हिप के एक्सरे के साथ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसको देखने के बाद हम आपको और क्लियर आइडिया दे पाएंगे कि आपके केस में कितना खर्चा होगा। And we will be very happy to do that. Thank you very much.